नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश आने वाली तमाम बीमारियों के बारे में। आप उन बीमारियों से कैसे अवगत हो सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से बच सकते हैं और उन बीमारियों का क्या इलाज है। दर्शकों, इसी के साथ आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जो लैप्रोस्कोपिक तकनीक है जो नई आई है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि क्या उसके फायदे और क्या उसके नुकसान है। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और साथ ही नवदीप रिसर्च सेंटर में अध्यक्ष भी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक आखिर तकनीक है क्या और क्या क्या उसमें नए बदलाव आए हैं, इसके बारे में आज हम डॉक्टर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दर्शकों, हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि लैप्रोस्कोपिक जो तकनीक है, जो आजकल सबसे ज़्यादा ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो तकनीक है क्या। देखिए, लैप्रोस्कोपिक तक जैसे टेक्निकल वर्ड में जनरल हमारी जनता जो समझ पाती है, इसको दूरबीन विधि से समझ पाती है। और एक बड़ा मिसनोमर है कुछ, इसको लेज़र भी कहते हैं। ये लेज़र नहीं है, लेज़र रेज दे अदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक। तो इसको हम लोग या तो लेप्रोस्कोपी कहें, या दूरबीन विधि कहें, या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहें, या की होल सर्जरी कहें। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि छोटे छोटे छेद हम लोग बनाते हैं, उस छेद से हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर एंटर ककड़ जाते हैं और वो हाफ ए सेंटीमीटर के ककड़ होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग की होल सर्जरी भी कहते हैं। और हमारा एक ट्रोकार जो मेन ट्रोकार जो एंटर करता है, उससे हमारा कैमरा जाता है। कैमरे से हम लोग पहले उसको विजुलाइज कर लेते हैं कि अंदर हमको क्या काम करना है, या कोई एडिशनल सर्जरी कोई करनी पड़ जाती है तो साइड में हम एडिशनल पोर्ट बना सकते हैं, जो भी 5 मिलीमीटर जिनकी लंबाई होती है और बहुत छोटे इंसेज होते हैं। इनसे जब हम लोग कैमरा और सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जब काम करते हैं, तो हम पूरा ऑपरेशन उसी तरीके से कर देते हैं जैसे कि चीरे वाले ऑपरेशन में होता है। एडवांटेज इसमें एक ये होता है कि टिश्यू हैंडलिंग बहुत कम होती है, इंस्ट्रूमेंट बहुत फाइन होते हैं जो किसी टिश्यू को डैमेज नहीं करते, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस वगैरह या कॉम्प्लिकेशन होने का रेट बहुत कम हो जाता है। जी डॉक्टर, इसके एडवांटेज की आपने बताया कि इसमें कुछ फायदे होते हैं, तो उसके साथ में बात करूँ, अगर डॉक्टर ऑपरेशन नॉर्मल होता है और जब दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदे होते हैं उसके। देखिए, नॉर्मल ऑपरेशन में तो सबसे बड़ा मैंडेटरी है कि आपको चीरा लगाना पड़ेगा जी। बिना चीरा लगाए तो आप एब्डोमेन के अंडर इसमें कर नहीं सकते जी। और लैप्रोस्कोपी में मिनिमल इन्वेसिव की होल सर्जरी में जो हम लोग करते हैं, छोटे छोटे छेद बनाते हैं, पूरा चीरा लगता नहीं है, 5 मिलीमीटर का छेद होता है, उसी से हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर एंटर कर जाते हैं। अब आप ये सोच सकती हैं कि एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हम लोग 15 मिलीमीटर के इंसीजन में कर देते हैं, 5-5-5, जो कि हमारे ओपन सर्जरी में पॉसिबल नहीं होता। और सेकंड थिंग, इसमें जो आपको विज़न मिलता है, विज़न बहुत बड़ा मिलता है इसमें। हम लोग थोड़ा सा जब ऑपरेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैस पेट में भर देते हैं, पेट के मतलब पेट और एब्डोमेन वॉल के बीच, एब्डोमेन वॉल उड़ जाती है ऊपर, तो हमें वर्किंग स्पेस मिलता है। इस वर्किंग स्पेस से हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं और उनको बहुत ही सफलतापूर्वक सारा कार्य कर देते हैं जी। डॉक्टर, की बात करें, अगर जो लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो इस तकनीक के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, लैप्रोस्कोपी अब इतनी ज़्यादा कॉमन और प्रेविलेंट हो गई है जी। तो अब तो सिर्फ ये कहा जाता है कि दुनिया का हर ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से हो रहा है जी। और हो सकता है, एक्सेप्ट वन, फिर रिपीट करूँगा, दुनिया का हर ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से हो सकता है एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट वन जो ऑपरेशन है, उसको हम सीजेरियन सेक्शन कहते हैं, मतलब जो बच्चा डिलीवरी से होता है, ऑपरेशन से होता है, उसको हम लोग दूरबीन से नहीं कर सकते। उसमें भी एक कारण ये है कि बाकी तो हम कर सकते हैं, पर बच्चे को हम इतने छोटे छेद से बाहर नहीं ला सकते। हम लोग पथरियों को, टुकड़ों को तो हम लोग पीसेस करके निकाल लेते हैं, पर बच्चे के पीस नहीं कर सकते क्योंकि उसके जीवन का मामला है। इसलिए ये बच्चे वाला ऑपरेशन दूरबीन से नहीं होता, बाकी दुनिया के सारे ऑपरेशन जो है दूरबीन से हो रहे हैं जी। बिल्कुल, डॉक्टर के साथ बात करूँ उसके डिसएडवांटेज की, तो उसे इसके क्या क्या नुकसान भी होते हैं। नुकसान आप पर्टिकुलरली लैप्रोस्कोपी के पूछना चाहते हैं जी।
देखिए लेप्रोस्कोपिक है तो नुकसान बहुत कम है। जी सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें एक एक्सपीरियंस सर्जन जब करता है तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेट बहुत कम होता है और लर्निंग अप इन एवरीथिंग कम्स। तो जब लर्निंग अप ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग बस ये है कि कभी कभी CO2 का एम्बोलिज्म वगैरह का चांस रहता है, गैस इन्फ्लेट करते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है तो एक एम्बोलिक फेनोमेन का डाउट होता है। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स तो इसमें कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है। जी डॉक्टर, लेकिन देखा जाता है कि जो दूरबीन द्वारा जो किए जाते हैं ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के द्वारा, उसके जो ऑपरेशन होते हैं कि कुछ हद तक असफल भी रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो उसमें स्टोन को निकाला जाता है तोड़ के, तो उसके कुछ अंश रह जाते हैं जिसके कारण वो दोबारा होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये एक तरह की मिथ है ये जी कि स्टोन रह जाता है। स्टोन रह कैसे जाएगा? इसमें जी तो जो हमें विजन मिलता है जैसे 25% मोर, जी एक छोटी पत्री जो नेकेड आई से नहीं दिखेगी वो हमको इससे दिखती है, जी और इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको स्टोन पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। जी तो स्टोन तो नहीं छोड़ते, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए। अगर अच्छे हैंड्स में हम लोग सर्जरी करा रहे हैं ऑपरेशन तो परफेक्ट होते हैं, पर जी कभी कॉम्प्लिकेशंस की जैसे आपने बात कही थी वो कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि पेशेंट की एज अगर 75 है, 78 है, 80 है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जन के जो एनेस्थेसिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा बेहोशी देना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जी कि ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि गैस इन्फ्लेट करते हैं तो ये सब हार्ट वगैरह को अफेक्ट करती है। तो उसमें ये डर उन्हें रहता है कि हार्ट अटैक वगैरह ना पड़ जाए जी और सारा ब्लेम उनके ऊपर, इसलिए वो करते हैं। अदरवाइज दीज थिंग्स आर वेरी सेफ। जी डॉक्टर सीता, अगर बात करें फर्टिलिटी के बारे में, तो उसमें इसकी क्या भूमिका होती है लैप्रोस्कोपिक की? लेप्रोस्कोप में इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रोल है। जी जब भी हम इनफर्टिलिटी डायग्नोस्टिक लैब करते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर का एक वरदान की तरह काम हो रहा है। जी आप एक छोटे से छेद से आपका टेलीस्कोप चला जाता है एंड यू सी ईच एंड एवरीथिंग, ओवरी, ट्यूब, यूट्रस, बाउच ऑफ डॉलग रगलस और सेकेंड थिंग अनदर ट्यूब ऑफ लेग, मतलब इतना कुछ हम लोग उससे देख पाते हैं कि जो कि आप ओपन भी करेंगे तो इतना आप देख नहीं सकते। जी प्लस उसमें मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाता है, प्लस उसमें हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं ट्यूबल में प्रेपिटेंसी देखने के लिए, जी वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो मैं तो मानता हूँ कि लेप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी के लिए तो एक वरदान की तरीके से काम कर रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ अगर बात करूं, आपने बताया कि ओपन सर्जरी के बारे में, तो ओपन सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? देखिए वो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सुमन जी। जी ओपन सर्जरी की हमारे सर्जिकल फर्टिलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, जी इसका रोल अपनी जगह एक महत्वपूर्ण रोल है जो रहेगा। जी जब जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जन में असफल होते हैं या लगता है ये लेप्रोस्कोपी से ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तब हमें वो ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, साथ ही IMA में काफ़ी विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इस समय वो नवीन हॉस्पिटल में अध्यक्ष भी हैं। और उनसे आज हम बात कर रहे हैं कि लैप्रोस्कोपिक आखिर क्या तकनीक है, और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। डॉक्टर, अगर बात करें इसमें लैप्रोस्कोपी के बारे में, बोला जाता है कि बांझपन के लिए सबसे ज़्यादा ये अच्छी कारगर रहती है, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगी, किस तरीके से ये काम करती है तकनीक? बांझपन में ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है। अभी भी जी हम लोग इसी विषय में बात कर रहे जी थे। एंडोमेट्रोसिस वगैरह जो होती है वो आंतों पर जाके कुछ टुकड़े उसके चिपक जाते हैं, जी कभी कभी बहुत छोटे टुकड़े होते हैं तो जी हड्डी के टाइप से यू कैन नॉट सी, और फिर उसके लिए बहुत बड़ा चीरे लगा के अंदर जाना पड़ता है। जी इसमें जस्ट वी गिव 1.5 सेंटीमीटर सीजन और उससे हमारी दूरबीन एंटर कर जाती है। दिस इज ए की होल सर्जरी जो मैं अनदर नेम आपको बता रहा था लेप्रोस्कोपी का। उस टेलीस्कोप से हम अपना पूरा विजुलाइज कर लेते हैं कहाँ एडिशन है, कहाँ चुपका है, कहाँ चुपका नहीं है, यूट्रस फ्री है या नहीं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ नोड्यूल्स हैं जो कि बाकी चीज़ों को चिपका रहे हैं तो उनको दूरबीन से हम एक आध एडिशनल पोर्ट साथ में बना के जिससे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट एंटर कर जाते हैं, हम उन चीज़ों को भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज़ वेरी गुड इन एंडोमेट्रोसिस।
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात करें अगर इसी के साथ अगर लैप्रोस्कोपिक अगर सर्जरी करवाते हैं तो उससे पहले क्या कोई तैयारी करनी चाहिए किसी पेशेंट्स को, और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए अगर करी जाती है तो? देखिए, जब भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो बहुत विशेष तैयारी की जरूरत तो हम लोगों को नहीं होती। सबसे पहले तो हम उसके ब्लड टेस्ट वगैरह करा के जी देख लेते हैं, कार्डियक फिटनेस देख लेते हैं कि थोड़ा सा हार्ट पर लोड पड़ता है जब CO2 उस पर इन्फ्लेट करते हैं। बाकी अगर फिटनेस है तो ऑपरेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, पर यह है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि दिस इज ए ब्लाइंड प्रोसेस और वेरी सीडल ब्लाइंड जाती है। फर्स्ट रोकार आपका ब्लाइंड जाता है, उसके बाद तो अंडर विजुलाइजेशन होता है। तो थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है कि जेंटली काम करना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन वेरी हरी, हरी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक उसको कोई होल बना रहे हैं तो 2-3-4 बार ट्राई करिए, ऐसा मत करिए कि उस होल में एकदम से आप पुश कर दें तो थोड़ा सा डैमेज होने का चांस होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स के साथ बात करो अगर पेशेंट्स की बोला जाता है कि अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए उनको, तो क्या ये बात सही है? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पानी तो हर व्यक्ति को ज़्यादा ही पीना चाहिए, जी पर इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से मत जोड़िए, ऐसा जी कोई नॉर्म नहीं है। जी पानी तो हर आदमी को ज़्यादा पीना चाहिए, एटलीस्ट 4 गिलास। जी बिल्कुल, दर्शकों आज हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर सुनील शर्मा, जिनसे आज हम बात करें लैप्रोस्कोपिक के बारे में, क्या कि लैप्रोस्कोपिक जो तकनीक है वो आखिर क्या होती है और किस तरीके से वो काम करती है। डॉक्टर, तकनीक की अगर बात करें तो अभी फिलहाल लेटेस्ट तकनीक और क्या क्या आई है लैप्रोस्कोपिक में? लैप्रोस्कोपिक में अब है कि अल्ट्रा मिनी लैप्रोस्कोप्स आ गए, हमारे पोर्ट के साइज बहुत छोटे हो गए। हम लोग सेंट्रल पोर्ट जो बनाते थे वो 10 mm का बनता था, अब ये पोर्ट 5 mm के बनने लगे हैं, और साइड में पोर्ट जो आ गए वो 3 mm के पोर्ट बनने लगे हैं। उनमें मैं स्टिच भी नहीं करना पड़ता, 3 mm को दवाइयों से ही सूख जाते हैं। और जितने भी हम फाइनल इंस्ट्रूमेंट से काम करेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि टिश्यू डैमेज कम होता है और टिश्यू को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। जी बिल्कुल, दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक के बारे में। दर्शकों अभी लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त, इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील शर्मा, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक तकनीक के बारे में, किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से वो ऑपरेशन का होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर के साथ अगर बात करें लैप्रोस्कोपिक की तो उसमें मिनिमम कितना समय लगता है इसके इलाज में? देखिए, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करने में जनरली 45 मिनट्स एक एवरेज ऑपरेशन हो जाता है, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जी, हम लोग कॉमनली जैसे हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, ये 45 मिनट्स तो घंटे भर में हो जाते हैं। जी, पर अगर कि बड़े आपके कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, ऑंको सर्जरी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी चलते हैं। जी, डॉक्टर्स के साथ अगर बात करें बोला जाता है कि लेजर तकनीक द्वारा किया जा रहा है, बहुत से नाम होते हैं इसके, तो आखिर किन किन नामों से इनको जाना जाता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को? और देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ले में 3 नाम से ज़्यादा जानता है। वन इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, नंबर 2 इज की होल सर्जरी, एक होल से टेलीस्कोप एंटर करता है उसको की होल सर्जरी कहते हैं, नंबर 3 एंडोस्कोपिक सर्जरी। ये 3 चीज़ तो लैप्रोस्कोपी के लिए ठीक है, पर कभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब लेज़र से होगा, तो वो गलत कहते हैं, बिकॉज लेज़र इज़ ए डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट डॉक्टर, अगर बात करें ऑपरेशन होने के बाद, जैसे कहा जाता है अगर नॉर्मल जो होती है ऑपरेशन किया जाता है उसमें चीरा लगता है, तो कम से कम मिनिमम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ही बेड रेस्ट करना पड़ता है काफ़ी दिनों के लिए, तो अगर बात करें लैप्रोस्कोपिक की तो लैप्रोस्कोपिक द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें लगभग पेशेंट को कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, और इसके साथ में घर पर भी उनको कितने दिन तक रेस्ट करना चाहिए, और अपने जो डेली जो वर्क होता है उनको वो कब उनको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि उनको अपना वर्क तो
लाइट वर्क तो वो दो दो दिन बाद का कर सकती है, अपने किचन में खड़े होकर खाना बनाना, सब्जी काटना जी, पर कपड़े धोना और फ्लोर को स्वीपिंग करना वो पॉसिबल नहीं होगा जी, वो हफ्ते 10-10 दिन में बाद हो पाता है जी, और थोड़ा सा इनको वॉक करने की आदत होनी चाहिए जी, 3 किलोमीटर ये वॉक जो जरूर किया करें, उससे इनको बहुत बड़ी शक्ति आएगी जी। बिल्कुल डॉक्टर्स के साथ अगर बात करें कि कुछ लोग योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे जब मरीजों का अगर ऑपरेशन किया जाता है लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा, तो उनको उसके बाद कितना, उसके बाद फिर कब स्टार्ट करना चाहिए, कब वो रिस्टार्ट कर सकते हैं? देखिए वो अपना एक नॉर्मल सा योगा, नॉर्मल सा एक्सरसाइज वो दो दिन बाद शुरू कर सकते हैं, बट शुड बी वेरी विगरस, विगरस ना करें, अपना जस्ट टाइम पास करने वाली एक्सरसाइज 2 दिन बाद शुरू कर सकते हैं जी। डॉक्टर अगर बात करें बच्चों की, तो क्या बच्चों का भी अगर जो ऑपरेशन होता है, उनके अगर कुछ उनके अगर प्रॉब्लम होती है, अगर ऑपरेशन किया जाता है उनका, तो क्या लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा उनका भी ऑपरेशन किया जा सकता है? हाँ बेटा हो सकता है, हो सकता है। डॉक्टर क्या उनको अलग तरीके के कुछ यूज़ किया जाता है उनके लिए, तकनीक कुछ अलग होती है, या उसी टेक्निक से जो किया जाता है जो नॉर्मल बड़े लोगों का अगर किया जाता है ऑपरेशन? देखिए टेक्निक और कंसेप्ट सेम, पर उनके इंस्ट्रूमेंट से छोटे इंस्ट्रूमेंट छोटे होते हैं, साइज उनका छोटा होता है जी। बिल्कुल डॉक्टर अगर बात करें महिला और पुरुषों की, तो सबसे ज़्यादा जो गॉल ब्लैडर के जो पेशेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, और उनका जो ऑपरेशन है लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो उसमें लगभग सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके पाए जाते हैं? देखिए अगर आप सेक्स पर इम्पोर्टेंस देखें तो गॉल ब्लैडर स्टोन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है जी। बिल्कुल अगर डॉक्टर बात करें गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बारे में, तो उसका लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा किस तरीके से किया जाता है? अगर वही लैप्रोस्कोपिक टेक्निक मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक की होल बनाते हैं, उससे हमारा टेलीस्कोप एंटर कर जाता है, टेलीस्कोप की साइड में एक ट्यूबिंग होती है, उससे हम लोग CO2 इन्फ्लेट कर देते हैं, CO2 इन्फ्लेट करते ही आपका डिस्टेंशन थोड़ा सा हो जाता है, तो आपको ऑर्गन और एब्डोमिनल वॉल के बीच में जगह मिलती है काम करने की जी। तो उस जगह से हम लोग काम कर पाते हैं, CO2 इज इनर्ट गैस, एब्जॉर्ब नहीं होती, और फिर जब इस समय काम खत्म हो जाता है तो उसको CO2 को बाहर निकाल देते हैं जी। डॉक्टर के साथ अगर बात करें खाने पीने की, तो क्या क्या चीज़ उनको उस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए लैप्रोस्कोपिक अगर तकनीक के दौरान उनको ऑपरेशन किया जाता है, और क्या ऑपरेशन से पहले क्या खाना चाहिए और ऑपरेशन के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए ऑपरेशन से पहले तो लाइट मील्स लेनी चाहिए, हम लोग डे बिफोर आफ्टरनून में लंच करने देते हैं, और रात को पेशेंट कहते हैं आप खिचड़ी ले लीजिए तो वो आपके लिए अच्छा है जी। और एक प्री ऑपरेटिव वो देते हैं एंटीबायोटिक, सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसका थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो जरूर हमें करना पड़ता है, इसको मॉप कराते हैं पूरी बॉडी को विद क्लीनिंग सॉल्यूशंस, जितनी क्लीन हमें बॉडी मिलती है उतना अच्छा हमारा ऑपरेशन के वो आते हैं रिजल्ट, उसके बाद इनको पेशेंट थिएटर में शिफ्ट करते हैं जी। डॉक्टर के साथ अगर बात करें लैप्रोस्कोपिक जो तकनीक थी, इसके प्रति लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिथ रहता है कि नहीं ये सक्सेस नहीं होती है, ये सही कारगर साबित नहीं होती, इसके बाद फिर से बीमार मतलब फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए दोबारा ऑपरेशन कराने वाली बात तो तब आती है जब कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, और कॉम्प्लिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो ओपन में भी हो सकता है और लैब में भी हो सकता है, तो इसलिए इस सब बातों को तो इश्यूज नहीं बनाना चाहिए, और उनका उनका इंसिडेंस भी बहुत कम है, बट दिस इज़ ए वेरी गुड टेक्निक, और इससे अच्छी टेक्निक कोई और हो नहीं सकती जी। डॉक्टर अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी स्टेज आती है जब बहुत ही ज़्यादा जो मरीज़ का जो इलाज होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन केस पे पहुँच जाता है? देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो का ये है कि अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, इंजुडिशियस आपके मूवमेंट्स हैं, तब कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है, इफ़ यू आर हैविंग कंट्रोल ऑन योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन योर हैंड्स, और आपको पता है मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, फॉर्मलिंग नहीं कर रहे हैं अंदर, तो कभी डैमेज नहीं होती है जी। बिल्कुल दर्शकों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील शर्मा जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जिनसे आज हमने जानकारियाँ ली बहुत सारी कि लैप्रोस्कोपिक क्या होती है, क्या तकनीक होती है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और लोगों के अंदर जो मिथ बैठा हुआ है कि नहीं लैप्रोस्कोपिक तकनीक के द्वारा कि अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल तकनीक है, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। इसी के साथ डॉक्टर हम जानना चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं आप सबको ये मैसेज दे देना चाहूँगा कि दूरबीन विधि या लैप्रोस्कोपी विधि या की होल सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी ये बहुत अच्छी सर्जरी है,
इसमें आपके बहुत कम कट लगते हैं, आपका ब्लड लॉस बहुत कम होता है. जब ब्लड लॉस कम होता है तो आपको दर्द कम होता है, और जब दर्द कम होता है तो फिर आप दर्द की दवाइयाँ भी बहुत कम खाते हैं. ये सारी दवाइयाँ आपके जिगर से निकलती हैं या गुर्दे से निकलती हैं, ये डैमेज होने से बचते हैं और आपका बहुत समय बचता है. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.